रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार के शिक्षित युवाओं को धोखा देने का काम कर रही है। राज्य सरकार ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की नौकरियों में बदलाव कर रही है। देश भर में शिक्षकों की बहाली में विभिन्न राज्य गलत निर्णय लिए हैं, जिसका सीधा असर बिहार के युवाओं पर पड़ेगा। झारखंड में डोमिसाइल के तहत बिहार के शिक्षित युवा आवेदन नहीं कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी नियमों को ताक पर रखकर रिक्तियां निकाल रही हैं। बिहार सरकार को रोजगार के लिए उचित कदम उठाना चाहिए, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिले। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को बात करनी चाहिए। एजेंसी निकली, विज्ञापन निकला, आवेदन निर्धारित किया गया, लेकिन आज तक बिहार सरकार शिक्षा विभाग के वेबसाइट पे पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि बिहार के कई जिलों ने अभी तक रोस्टर पब्लिश नहीं किया, जिसमें पटना भी है, चंपारण का दोनों जिला है, सीतामढ़ी है। अभी तक इन जिलों में रोस्टर ही नहीं है कि कितने शिक्षकों की मांग है। या तो केंद्र सरकार यूनिफॉर्म को ही नियम बनाए पूरे देश भर के लिए, बिहार के लोगों का प्रवेश दूसरी जगह बंद नहीं हो, अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष जवाबदेही बनती है कि भारत सरकार से बात करके इस समस्या का समाधान केंद्र सरकार के स्तर पर निकलवाए, और नहीं तो बिहार में बिहार के नौजवानों के हित को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ भी ऐसा प्रावधान बनाए कि बाहर के लोग यहाँ आकर हमारे नौजवानों को नौकरी से वंचित न कर जाए, हमारे नौजवानों का न हो जाए। दोनों स्थिति में जो भी निर्णय किया जा सकता हो, मुख्यमंत्री जी की विशेष जवाबदेही है, उनको देखना चाहिए। बिहार के नौजवान इस तरह की स्थिति में दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। ओपन फॉर ऑल की पॉलिसी बिहार में है, खास करके अभी जो शिक्षकों की बहाली हो रही है देश भर में, इस पर बहुत ही उन राज्यों के निर्णयों का व्यापक और गलत असर हो रहा है। झारखंड जो बीजेपी शासित राज्य है बगल का, वहां बिहार का कोई शिक्षित नौजवान बेरोजगार शिक्षक अब नहीं बन सकता, वहां नौकरी नहीं पा सकता। झारखंड की सरकार ने डोमिसाइल नीति के तहत बाहर के लोगों के लिए प्रवेश बंद कर दिया है, आवेदन ही नहीं कर सकते। बगल का प्रदेश यूपी में जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया है, उसमें जो क्राइटेरिया है, उसमें रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों से यहाँ रह रहा हो लगातार यूपी में, वो भी आवेदन कर 30 रुपया का डाक टिकट उस पर लगाइए। और कई जिला में कोई लिफाफा ही नहीं मांगा जा रहा है, तो जहाँ जिसको जो मर्जी उस रूप में नियम बना रहा है। नीचे जो इकाइयां हैं नियोजन की, वहाँ अलग अलग नियम बन रहे हैं और उसके चलते लोग परेशान हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ रहा है। और सरकार का रवैया भी इसमें साफ साफ दिख रहा है, एक से ज़्यादा बार आवेदन करने की जो अंतिम तारीख थी उसको भी बढ़ाने का काम राज्य की सरकार को करना पड़ा। और मेरा सीधा आरोप है हाथ चढ़ के राज्य के शिक्षित नौजवानों के साथ बिहार की सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य को बर्बाद करने पर उतारू है। देश के कई राज्यों में ग्रुप सी डी की बहाली के लिए कई तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं।
इसका सीधा प्रभाव बिहार के नौजवानों के ऊपर, शिक्षित बेरोजगारों के ऊपर पड़ रहा है। देश की सरकार, एनडीए की सरकार लगातार कहती है, खास करके प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, की खबर आई फिर डेट बढ़ा रहे हैं, फिर कुछ बात आ रही है फिर डेट बढ़ा रहे हैं। कोई तैयारी इनकी नहीं है और इनकी जो घोषणा है सदन में कि हम नवंबर तक नियोजन का काम पूरा कर लेंगे 1,40,000 शिक्षकों के लिए, मुझको आशंका है कि यह काम भी पूरा नहीं होगा, और पूरा भी होगा तो फिर कितना गलत इसमें मामले आ जाएंगे कि फिर अपील में जाते जाते जो लोग बहाल होंगे या नहीं बहाल होंगे परेशान हो जाएंगे। तो बिहार के नौजवानों के साथ इस तरह का जो खिलवाड़ हो रहा है या बर्दाश्त से बाहर है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों पर गौर कीजिए। एक तो लोगों को नौकरी देश भर में अब नहीं मिल पा रही है, और जहां नौकरियां है वहां से छटनी हो रही है, और जहां आप नौकरी देने की बात वादा भी करते हैं लेकिन इस तरह का नियम कायदा बिल्कुल अव्यवस्थित बनाते हैं कि लोगों को आवेदन करने में इतनी परेशानी हो रही है। कुल मिला जुला कर बिल्कुल अराजकता की स्थिति है शिक्षक नियोजन के। सरकार के शिक्षा विभाग के अनुसार जो आरसी एक्ट के तहत शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित है, इस पैमाने पर भी बिहार सबसे निचले पायदान पे है। हर तरह से शिक्षकों की कमी साफ साफ यहाँ दिख रही है। इसके बावजूद अभी जो नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया इतनी गलत है और एक तरह से कई अराजकता के माहौल में यह प्रक्रिया चल रही है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली हैं, लगभग 3,00,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, और माननीय शिक्षा मंत्री बिहार ने पिछले सदन के सत्र में घोषणा की, हम 1,40,000 शिक्षकों का नियोजन नवंबर महीने तक करने जा रहे हैं। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहटी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रान आईएएस एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजिया वाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड, मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड, मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड, मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस, सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ, नेशनल मेडिकल कॉलेज, वीरगंज, नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।